नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी खबर जो कि अभी अभी सामने आई है। बताया जा रहा है कि सीबीआई के डर से दादाजी यानी कि महेश भट्ट अब नानावती हॉस्पिटल में जो कि भर्ती हो चुका है। बताया जा रहा है कि ये सीबीआई के डर से कहीं ना कहीं महेश भट्ट जो कि अस्पताल में अभी भर्ती हो चुका है। आखिर वो किस लिए भर्ती हुआ है, उनके साथ क्या हुआ है, इसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन मैं पहले बता देता हूं कि जब सीबीआई की टीम और फॉरेंसिक जांच की टीम ने सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और दीपेश के साथ सुशांत सिंह राजपूत के उसी घर पे पहुंचा था सीन रिक्रिएट करने के लिए, कि जैसे जैसे सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ था और सिद्धार्थ पिठानी ने सबसे पहले जो दरवाजा खोला और किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत को फांसी के फंदे से उतारा था, वो सारा का सारा सीन क्रिएट करने के बाद एक बड़ी खबर जो कि सामने आई, वो बताया जा रहा है कि महेश भट्ट के बारे में एक बड़ा सबूत सामने आया है। ये घटना होने से पहले सुशांत सिंह राजपूत के साथ सिद्धार्थ पिठानी की बात भी हुआ था, लेकिन बताया जा रहा है उसके बाद सिद्धार्थ पिठानी ने महेश भट्ट से क्या सब बातें की थी, वो सारा का सारा सिद्धार्थ पिठानी जो कि सीबीआई टीम के सामने बयान दे चुका है। अब उसी बयान को यानी कि मैच करने के लिए क्या इसका बयान सही है या गलत है, उसी के लिए जब सीबीआई की टीम ने महेश भट्ट के घर पहुंचा तो बताया जा रहा है कि महेश भट्ट को दिल का दौरा पड़ गया, जिसके कारण वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गया है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं अब महेश भट्ट से भी वो बातें पूछ सकती थी सीबीआई की टीम, जो सिद्धार्थ पिठानी से उनकी बातें हुई थी। लेकिन महेश भट्ट ये जानते हैं कि कहीं ना कहीं सिद्धार्थ पिठानी और महेश भट्ट का बयान नहीं मिलता, मैच नहीं होता, जिसके कारण महेश भट्ट ने इतना बड़ा ड्रामा किया है। उसने ये भी कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें महेश भट्ट का कोई हाथ नहीं, लेकिन जब सीबीआई की टीम और फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट जब अस्पताल में पहुंचा तो बताया जा रहा है कि महेश भट्ट के दिल का दौरा जो था वो काफी तेज हो गया, जिसके कारण महेश भट्ट ने सीबीआई से बात भी नहीं की। अब कहीं ना कहीं इस मामले में ये बड़ा खुलासा जो कि सीबीआई के हाथ लग चुकी है, कहीं ना कहीं सिद्धार्थ पिठानी के साथ नीरज और दीपेश, वही बताया जा रहा है कि इन सभी तीनों के हाथ के पीछे कहीं ना कहीं महेश भट्ट का बड़ा हाथ है, जो कि महेश भट्ट अब बचने के लिए अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। वही बताया जा रहा है कि सीबीआई टीम को जांच करने में काफी कठिनाइयां भी हो रही है, लेकिन जैसे ही महेश भट्ट ठीक हो जाते हैं उनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिर सही में सिद्धार्थ पिठानी के साथ महेश भट्ट का क्या सब बातें हुई थी, क्या वो सही था या गलत। अब इसी के जरिए उन लोगों तक पहुंचा जाएगा जो सुशांत सिंह राजपूत मामले में कहीं ना कहीं जुड़ा है। तो अब देखने वाली बात है दोस्तों कि सीबीआई की टीम महेश भट्ट से कब जाके बात पूछती है। तब तक सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और दीपेश को सीबीआई की टीम अपने पास ही रखी है। बताया जा रहा है कि उनसे और भी बातें पूछताछ की जाएगी। तकरीबन 5.5 घंटे तक सुशांत सिंह राजपूत के उसी घर में तलाशी ली गई, हर एक रिक्रिएट सीन किया गया और देखा गया कि आखिर कहीं ना कहीं सिद्धार्थ पिठानी का बहुत ही बड़ा हाथ इसमें लग रहा है। वही इसके साथ साथ अब महेश भट्ट को भी इस मामले में घसीटा जाएगा। तो जैसे इसके बारे में कुछ नया सबूत एविडेंस सामने आता है, मैं आपको सबसे पहले खबर मीडिया पर जरूर दूंगा। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।